हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिभुज और उनके कोण, यानी कि ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ऐसे तो हम लोग जूनियर क्लासेस से ही त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे जब शुरुआत की है तो इसको समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि हम तीन असंरेख बिंदु एक तल पर ले लेते हैं। जैसे ये तल है, इस पर तीन असंरेख बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक को ए नाम दे देता हूं मैं, यहाँ पर एक को बी और एक को सी। अब इन तीन असंरेख बिंदुओं को देखिए, तो इनसे हम लोग इनको मिलाकर तीन रेखाखंड आप इस तरह से कर सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो इस प्रकार इन तीनों रेखाखंडों से ये जो बनी हुई आकृति आप जो देख रहे हैं, यही आपकी त्रिभुज है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समतल में तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे, कि एक तल में या समतल में, एक तल में तीन रेखाखंडों, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर क्या देखने को मिलता है कि ये दो दो रेखाखंड जो है ना, एक शीर्ष पर आकर मिलती है। इस तरह से हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यदि तीन बिंदुओं या तीन बिंदु असंरेख हो तो इनको मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इनको रेखाखंडों द्वारा मिलाने से, या इनको रेखाखंड द्वारा मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज। तो पहली वाली परिभाषा में बेस्ट दिख रही है, यही ठीक है। ठीक है, तो त्रिभुज में जो है तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की बात करें तो त्रिभुज में वर्टेक्स तीन होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। अच्छा, इनकी भुजाओं की बात करें, भुजा यानी कि इनकी साइड, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कौन कौन सी दिख रही है? ए बी, बी सी और ये सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, एक ही बात होगा। अच्छा, अगर हम लोग कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये जो देख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए को एंगल बी ए सी लिख दीजिए, एंगल बी को एंगल ए बी सी लिख दीजिए, एंड एंगल सी को आप एंगल ए सी बी लिख दीजिए या फिर बी सी ए लिख दीजिए, एक ही बात होगी। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि त्रिभुज जो होती है तीन रेखाखंडों से, एक तल में तीन रेखाखंडों को मिलाने से बनी बंद आकृति होती है, और इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। ठीक है, हम लोग अगर त्रिभुज के वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग इनके भुजाओं और इनके कोण के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए मैं यहां पहली देता हूं, त्रिभुजों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होगा इनके क्लासिफिकेशन? तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पर, तो यहां पर लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज जी? तो पहला मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज, यानी कि
इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आपके पास समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसो स्केलस ट्रायंगल। और तीसरा है आपका विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि एस्केलेन, एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में देख लेते हैं और फिर हम लोग इनके कोण के आधार पर भी इनका वर्गीकरण देखेंगे। चलिए समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है ना उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो उसे, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि चित्र में देखिए, यहां पर देख लीजिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज का नाम ए बी सी देते हैं तो अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समबाहु होगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज में आपकी भुजाएं नहीं, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हमें कोण से अभी मतलब नहीं है, हम लोग भुजा के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा। तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग आगे अभी साबित करके देखेंगे, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, है ना। अभी बहुत कुछ है त्रिभुज के अंदर जानना, बस अभी हम लोग सिर्फ परिभाषा से मतलब रख रहे हैं और कुछ नहीं जान रहे हैं, नहीं तो जानना बैठेंगे तो बहुत कुछ अभी जानना है। धीरे धीरे हम लोग त्रिभुज के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, आगे समझ में आते जाएगा। चलिए अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिस सकते हैं कि जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की कोई दो, कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहां पे एक त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, ए बी सी, हमें देखने को मिला चित्र में कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, इसलिए समद्विबाहु है। ठीक है, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना कि जो तीसरी भुजा होगी उसको आधार कहेंगे, ठीक है, उसको बेस कहा जाता है, है ना, जो असमान भुजा जो होगी उसको बेस कहा जाता है। अच्छा, समद्विबाहु में अगर दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने के जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। अब ये कितना मान का होगा ये नहीं पता, क्योंकि ए अगर डिफाइन होगा तभी ये पता होगा कितना कितना मान का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसमें जो कोण होते हैं, दो को कोण जो भुजाएं बराबर होंगे उन्हीं के सम्मुख कोण जो होंगे आपस में बराबर होते हैं। ऐसे हमें अभी कोण से मतलब नहीं है, फिलहाल हम लोग बस ऐसे ही जान रहे हैं, हम लोग सिर्फ त्रिभुज के प्रकार समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। देखिए इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां पे एक त्रिभुज बनाता हूं विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की दिखा देंगे, तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी दूसरे के, है ना जी, तो ये आपकी विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगी ए बी सी। इसमें कोई भी भुजा ना तो ए बी बराबर होगा बी सी के, ना ही ए सी के, कोई भी भुजा बराबर नहीं, और कोण भी कोई बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा त्रिभुज का वर्गीकरण उनके भुजाओं के आधार पर, अब हम लोग कोण के आधार पर देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं
कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? तो कोण के आधार पर भी देखिए कौन कौन से प्रकार देंगे। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा है आपका न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा देखते हैं हम लोग अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, तीनों के बारे में क्या करें। चलिए समकोण, अच्छा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है ना समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, देखिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ये बी जो है एक समकोण है 90 डिग्री का है, ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज। यही अगर त्रिभुज समकोण हो, यही अगर त्रिभुज समकोण हो और समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हो तो इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहां क्या दिया है कि देखो एंगल बी 90 है और ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो इस त्रिभुज को क्या नाम से जानेंगे? इसको कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, ठीक है, इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्लियर है। अगला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो न्यून कोण यानी कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होना न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एंगल ए भी यहाँ 90 से लेस देन होगा, एंगल बी भी 90 से लेस देन होगा और एंगल सी भी 90 से लेस देन होगा, ठीक है, तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए यानी कि न्यून कोण होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, अब अधिकोण त्रिभुज। अच्छा एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है ना अधिकोण हो यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 से कम हो, है ना। लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, त्रिभुज में एक से अधिक अधिक कोण हो ही नहीं सकता है क्योंकि टोटल सभी कोणों का योग 180 होता है, एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, क्लियर है। अधिकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ, देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी, तो ये एक कोण जो है एंगल ए बी सी, अधिकोण नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री से ग्रेटर दिख रहा है लेकिन ये 180 से कम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए कैसा त्रिभुज हो गया? अधिकोण त्रिभुज हो गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण क्या कहलाता है,
त्रिभुज का बाहिष्य कोण होता क्या है? बाहिष्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम लोग किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाएं तो बाहर की ओर बना जो कोण होगा ना, उसको बाह्य कोण कहते हैं, बाहिष्य कोण कहते हैं। एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाहर का जो कोण होगा ये बाहिष्य कोण हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाहर की ओर कोण बाहिष्य कोण कहलाता है, बाहिष्य कोण कहलाता है। आगे चल के इसको साबित करके देखेंगे कि बाहिष्य कोण जो अभिमुख दो अंतः कोणों के इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आगे भी हम लोग साबित करेंगे। फिलहाल आप बाहिष्य कोण समझ गए। ठीक है, तो बाहिष्य कोण को यहां पर बाहिष्य कोण जो देख रहे हैं बाहर वाला, ये है बाहिष्य कोण, बाहिष्य कोण। ठीक है, और इस ये जो बाहिष्य कोण है ये, और इस बाहिष्य कोण के सापेक्ष ये कोण और ये कोण जो होते हैं एंगल ए और एंगल बी, इनको कहा जाता है सुदूर अंतः कोण, सुदूर अंतः कोण या अभिमुख कोण भी कहा जाता है, अभिमुख कोण कहा जाएगा। ठीक है, अंतः अभिमुख, अंतः में अंदर में है ना जी, तो अंतः अभिमुख कोण कहा जा सकता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं। एक ही बात हुआ, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा टॉपिक बच गया उसको भी देख लेते हैं, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। इसमें अभी आगे यूज है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, माध्यिका यानी कि मीडियन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के एक शीर्ष से अगर हम लोग सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खंड खींचे, तो ये जो रेखा खंड देख रहे हैं ये AD, यही आपकी माध्यिका कहलाएगी। तो इसको आप परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के किसी भुजा के ये मध्य बिंदु होगा। ठीक है, डी मध्य बिंदु को सामने वाले, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका या मध्यगत रेखा भी कहते हैं, मध्यगत रेखा कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। समझ गए? अब जो त्रिभुज होता है उसके अंदर तीन माध्यिकाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे E देते हैं, यहाँ पर F देते हैं। तो माध्यिका हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ये चीज हम लोग यहाँ से सीख गए। तो त्रिभुज के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी मिल गई, इतना काफी है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इससे रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रमेय है उनको देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन।
आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए। सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।